साफ सड़कें हैं, बट कुछ लोग यहाँ भी बेवकूफ़ी करते हैं, सड़कों पे कचरा डाल देते हैं। बट एक बात है, आपको मालूम है भूटान या जितना पोल्यूशन करता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ पे रूल है कि 60% से नीचे फॉरेस्ट नहीं हो सकते, और एज ऑफ टुडे आई बिलीव इट इज क्लोज टू 70%। 70% फॉरेस्ट है और बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो भी है। तो हेलो, हाय, खुशामदीद और नमस्ते जी। मेरा नाम है मयंक और यह है लाइफ ऑफ अ मंकी, यानी मेरी तुम्हारी हम सब की लाइफ। तो आज का प्लान ये है कि हम लोग थिम्पू एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं आसपास में यहाँ क्या चीज़ है। सुना है थिम्पू की नाइट लाइफ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज वो भी देख लेंगे। तो ये है डे टू और डे थ्री का वीडियो, जिसमें हम फुंसोलिंग से थिम्पू आए और आज हम थिम्पू को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप देखिए कि पहले तो हम कैसे आए, कैसा था रास्ता, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वो छोटा सा पीस है। देखिए कितनी सुंदर वादियाँ हैं यहाँ की और कितना सुंदर रास्ता है। हाँ, बट एक बात है कि एक करीबन 150 किलोमीटर है फुंसोलिंग से थिम्पू, और उसमें पूरा का पूरा घाट सेक्शन ही था। मतलब आप ये मान के चलिए 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर सिर्फ घाट ही घाट थे। तो ट्रैफिक डिसिप्लिन ही बहुत तगड़ा है, जिसके चक्कर में कोई आपको ऐसे ओवरटेक नहीं करता अनटिलेस यू नो देयर इज अ क्लियर पाथ सामने की कोई और गाड़ी नहीं है, वो अपना साइड से ओवरटेक करेगा, आप अपना कंफर्टेबली चलते रहो। तो ये बात बहुत अच्छी थी। तो ये हम लोग चल पड़े हैं फुंसोलिंग से थिम्पू के लिए। 150 किलोमीटर है फुंसोलिंग से थिम्पू, और कोशिश करेंगे कि जल्दी पहुँचें। गूगल आंटी दिखा रही है 4 घंटा, तो मान के चलिए 5-6 घंटा क्योंकि रुकेंगे वही सब होगा, ग्रुप बड़ा है। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत तगड़े हैं, तो उनको फॉलो करना ज़रूरी है। देखते हैं कैसा चलता है आज का सीन। वेदर अभी तो गर्म है यहाँ पे, उम्मीद की जा रही है कि आगे ठंडा होगा। अभी बज रहे हैं लोकल टाइम 2, बाप रे 2 बज रहे हैं, तो शाम से पहले तो नहीं पहुँच रहे हम। तो ये जो जगह आप लेफ्ट में देख रहे हो ना यार, वो चेक पोस्ट है, और यहाँ पे ना अपने जो परमिट अपन ने अभी फुंसोलिंग से लिए वो यहाँ चेक हो रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा था कि भैया 2 बज रहे हैं, तो 2:30-3 तो इन्होंने ही बजा दिए। अब चलते हैं आगे, आगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो वो आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक बात जो ज़रूर मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूँगा, तो यहाँ जो परमिट चेक होता है ना, वो थिम्पू के लिए चेक होता है ना। ये अभी अगली जो डेस्टिनेशन इस रोड पे आती है इम्पोर्टेंट जगह, वो थिम्पू है, तो उसके लिए चेक होगा। तो अच्छा, वैसे ना मौसम बहुत गर्म है भाई नीचे, और जैसा हमारे मार्शल साहब ने अभी कहा है थोड़ी देर पहले हम लोगों को ब्रीफिंग में, कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ना मौसम ठंडा होता जाएगा, और बीच में एक ऐसी जगह भी आएगी जहाँ मौसम ख़राब होने के पूरे आसार हैं, वो जगह देखते हैं। तो अगला फुटेज उसी जगह का होगा, है ना। चलो, तो भैया जो हमारे मार्शल साहब बोल रहे थे ना जहाँ पे मौसम बहुत ख़राब होगा, तो जी ये वो जगह है, ये मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा आपको, भी अब दिख रहा होगा, मैंने अभी कैमरा ऑन किया है आपको दिखाने के लिए, और एकदम ठंडा हो गया। बीच में तो हल्की सी बारिश भी हुई थी, ये रेन लाइनर है इसके अंदर, तो अपन बच गए। आप देख सकते हैं मेरा साथी आ चुका है, मुगली सर का इंतज़ार है, वो भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया इस वजह से देख लीजिए। तो सभी लोग लंच के लिए एकत्रित हो चुके हैं, सब अपनी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं। ये आप देखिए, आ हा हा, क्या प्यारा कुत्ता है। हेलो ब्रदर, हमारी बैकअप व्हीकल भी आ चुकी है जिसमें हमारी कप्तान भी बैठी हुई हैं, इनका नाम है खुशबू जी। कप्तान साहिबा आ रही हैं, और ये हमारे मार्शल साहब आज के। लगे हुए हैं सब फोटो खींचने में, बहुत बढ़िया। सो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं पता नहीं कहाँ पे, गेरू करके जगह है, एंड अब लंच ब्रेक है, शाम के 4 बजे लंच ब्रेक हो रहा है जी। रास्ता बहुत ही ट्रेचरस था, 42 किलोमीटर सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, तो देखते हैं। और बाकी हमारी सारी टीम यहीं पे है सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं बहुत ज़्यादा देखते हैं यहाँ से कितनी देर में निकलना होगा, बट कोशिश यही रहेगी कि जल्दी निकलो।
उफ, क्या ब्यूटी है यार। मतलब जैसे लोगों को लेह लद्दाख में होता होगा ना कि रुक रुक के हर जगह फोटो लेते हैं, वैसे भाई साहब यहाँ पे सीन लग रहा है मुझे। मतलब अभी तो ऐसा मन कर रहा है कि रुक जाऊँ और कुछ प्यारे प्यारे फोटो ले लूँ। मतलब हर जगह अमेजिंग लैंडस्केप यार, अमेजिंग। यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे और चल रहे हैं। तो भाई अब हो चुकी है शाम, थोड़ी देर में रात होने वाली है और उस वक्त जो है ना गोप्रो भाई साहब जो है बिल्कुल जस्टिस नहीं करते और फुटेज की जो है कचरा हो जाती है। तो अब इनको भी गोप्रो को भी आराम देते हैं अपने और हम भी शांति से पहुंचते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहा है और नाइट ड्राइविंग जितनी अवॉइड कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे बट ऐसा मुश्किल लग रहा है। तो चलिए आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं और अब आपको हम सीधा मिलेंगे थिम्फू में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, बने रहो और आगे थिम्फू में क्या क्या इंटरेस्टिंग है वो देखते रहो। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे आज सबकी बाइक के रिपेयर का काम चालू है। ये देखिए मैकेनिक लगे हुए हैं मेरी बाइक में भी क्योंकि क्लच की प्रॉब्लम आ गई है, किसी की बैटरी की प्रॉब्लम आ गई है, तो सब की गाड़ियाँ आज ठीक हो रही हैं। हम लोग फ़िलहाल थिम्फू घूमने के लिए निकलने वाले हैं। तो सब रेडी हैं, बाइक्स रेडी नहीं है, हम सब रेडी हैं। तो बाइक्स को देखते हैं कब तक ये लोग ठीक कर पाते हैं। हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए। तो चलिए अभी बारिश भी होने वाली है तो भैया जब भी भूटान आओ तो अपना रेनकोट साथ लेके आना, ये चिरी मेरी तो हो ही रही है। This one is our first sightseeing. From now onwards, like the orientation that I'm going to give you, the briefing is regarding all the sightseeing that we are going to do. So please keep in mind, like wherever we are supposed to remove our shoes, that is the inner or the main temple. So over there, we are not supposed to wear our hat. We are not supposed to click photograph. Even though there isn't anyone, but all temples are installed with a CCTV camera. Some they might even seize your camera. Even if they don't seize the camera, like it will be formatted. Not only the photo, but the whole that one memory will be formatted. So like, please be careful. And like, some of our people. नहीं लेके जा सकते हैं मगर अंदर रखना। हाँ हाँ नहीं कर रहे ना। ट्रीट मत करना। Like there might be some temptation. Control कर रहे हैं तो। Yeah. Okay. Yeah, socks is okay. Introduction of this. Whole place like this one statue of Buddha and the height is like 54 meters. Some say like it's the tallest Buddha, but I think it's not true because like there are many tallest Buddha, but it might be one of the tallest seated position Buddha, which is made from bronze. It was built in 2006. Construction began in 2006 and like the construction is still going on, landscaping and all. It's the latest one. But this one was built to fulfill their prophecy. It was said that if you build a statue over here, there will be peace and harmony not only in this valley but throughout the country. It's built together. And the name of this place is known as the Phuentsholing. But nowadays people call it as a Buddha point because of the Buddha, giant Buddha over here. Phuentsholing in our language means a palace with the great view. It is said that before monarchy came into power, our country was ruled by, we call them as the Desi. In Sanskrit or Hindi, I think they are known as a Dharma Raja. So like it was ruled by them before monarchy came into power. So like this was the place where the 13th Desi or the Dharma Raja had a palace. So on top of that one, this whole structure was built. And the main material is bronze and it's gilded with gold. Statue was like made in China, but it was assembled over here.
फिलहाल हम गाड़ी में बैठे हैं, मैं और रोजी जी। नीलकंठ साहब आगे चले गए, वो अपना बाइक चलाने के मूड में थे, वो निकल लिए। तो हमारी गाड़ी तो आपको मालूम ही है, ख़राब हुई पड़ी है, उसके क्लच प्लेट बदलनी है। हम होप कर रहे हों कि शाम तक जो है बाइक की क्लच प्लेट बदल दें। तो चलो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे लंच टेबल पे। तो दोस्तों अभी खाना पीना हो गया है और अब हम आ चुके हैं एक मॉनेस्ट्री में। हमारे गाइड साहब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो लोकलाइट्स हैं अगर वो आते हैं दे हैव टू वियर दी लोकल ड्रेस, तो बिल्कुल वो तैयार हो रहे हैं। तो लेट्स गो इनसाइड दी मॉनेस्ट्री, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। खाना वॉज गुड, इट वॉज अ ट्रेडिशनल भूटानीज फूड। हाँ, आई हैव क्लिक्ड सम पिक्चर्स, मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊँगा। इट वॉज नाइस, यू शुड गिव इट अ ट्राई। और बेस्ट पार्ट वॉज हमारे लिए वेजिटेरियन ऑप्शन भी था और हमारे साथियों के लिए नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी था, तो इट वॉज गुड थिंग। चलिए अब अंदर चलते हैं मॉनेस्ट्री के। वो बुद्धा स्टैचू तो वॉज अमेजिंग, है ना। चलो अब वो देखिए हमारे मार्शल साहब जो भी ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म में आ चुके हैं। काफी सीढ़ियां हैं ये हमारे आगे आगे हमारे मैकेनिक साहब चलते हुए, बेचारे सुबह से लगे हुए थे बाइक सुधारने में। About the whole temple. Okay, the name of the temple is known as Changangkha. It's the oldest temple in Thimphu Valley. It was built in 13th century by a person known as the Phuentsholing. He was a Buddhist saint who came from Tibet to Bhutan and who spread Drupal culture to school. I told like there are two branches of Buddhism, Hinayana and Mahayana, and in Bhutan it's Vajrayana, the branch of Mahayana. Again, within that Vajrayana, there are many schools of thought, and like we belong to Drupal culture, and that's the state religion over here. Whereas like most of the people from like Bangalore or Himachal, you might be familiar with Gelugpa or Nyingma, they are different schools like Gelugpa or Dalai Lama. Dalai Lama. Yeah. Like they are also known as yellow hats, whereas Kajupa is a bit different. It's similar, but all the rituals was a bit different from what we like what we at the believe. And it is said that along with him, like his son known as Nima built this temple, and the main thing, USP of this temple is that people over here believe that the local deity protects this valley, and every newborn child who is born over here is brought to this temple. And that's why like right now, like as it's not weekends, so we can't see much, but especially during weekends, like most of the people living in Thimphu city are either corporate workers or civil servants. So like whenever they get free time, they bring their children over here. फिलहाल हमने मॉनेस्ट्री देख ली है। अंदर किसी भी मॉनेस्ट्री में आपको अलाउड नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग कर सके वीडियो वगैरह। तो अभी हम नीचे वापस उतर रहे हैं, है ना। और जो था इस मॉनेस्ट्री की सिग्निफिकेंस वो मैंने आपको सुनवा दी है। और ये हमारे साथी बॉम्बे से, हेलो दीपक सोनल। सर कैसा लग रहा है आज? रियली ऑसम एक्चुअली। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रिचुअल राइट्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, और जो बुद्धिज्म है वो आज हमारे जो मार्शल है उन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लेन किया उसको। क्योंकि हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का अपना अपना एक रिलीजन होता है, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन अपना उसको फॉलो करता है। तो आज वो हम लोग को जानने मिला। अब शायद फोर्ट जा रहे हैं, राइट? या वी गोइंग फॉर फोर्ट नाउ। पहले चाय। यस। सो दोस्तों अभी हम फिलहाल आ चुके हैं ये थिम्फू के फोर्ट को देखने। सभी लोग अंदर जा चुके हैं, मैं आपके लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हम टिकट लेंगे। ये यहाँ का फोर्ट है, चलिए अब अंदर चलते हैं। घर नीचे है यहाँ कहीं, और ये उनका ऑफिस है, मतलब यहाँ पूरी मिनिस्ट्री बैठती है। और ये देखो मेरे को क्या पहनना आ दिया, क्योंकि हाफ स्लीव शर्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मेरे राइडिंग जैकेट का अंदर का
लाइनर निकाल के पहन लिया मैंने, थोड़े से दखियानुसी लगी मेरे को कुछ चीज़ें, बट ठीक है यार, हर जगह के अपने रूल्स रेगुलेशन हैं। देखते हैं इनके ऑफिस, चलो। So that's the main purpose, like administrative unit and a monk unit, the center administrative body of each and every respective district. So this is Thimphu Fortress, so the central administrative unit is that side, and this side is for monk bodies. So every fortress, you must have come across like other fortress. Each and every district has their own respective fortress. These fortresses were built mainly to rebuild the invasion and to establish the Buddhist seats of the fortresses. The country were built in 17th century during the time of the Bhutan. So at that time, like, we had many Tibetan invasions. So mainly to rebuild those invasions, those fortresses were built, and then these fortresses are all located in a very strategic location. Some just beside the river, some on up the hill. Every year there's an annual festival. Whenever you block like Bhutan in a website and all, you'll come across different marks and mark stands and customs. So every district has the annual mark stands festivals. So these mark stands festival takes place in the fortress. In early days, like just few years back, the mark stands festival we call Thimphu Thechu, usually happens in late October, like early November. So usually happens on this, and then in early days it takes place in this courtyard, in this ground. So You must have seen like Bhutanese wearing it, like very like expensive dresses. People will try to come in their best costume they can. So we believe that we will get a blessing from this, like if we attend the festivals and all. So over the time, like this courtyard is not able to accommodate all the people who's coming to witness the festival. So now they have made a new ground just attaching this ground. We call it that Tendel Thang, or where the festival takes place. Now the Thimphu festival takes place in that ground. So, we'll go have a look. तो कैसा लगा Thimphu? कैसा लगा रास्ता? अच्छा था ना? अगर आप रोड से ना आना चाहें तो फ्लाइट्स भी अवेलेबल हैं। कई बार इट इज़ टू मच, फैमिली के साथ आना चाहें तो अगर आप अपनी गाड़ी से भी आते हैं इतने वाइंडिंग रोड्स के चक्कर में, उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि हेडेक हो जाए। बाइक से अगर आप आना चाहते हैं तो अपनी बाइक भी ला सकते हैं, किराए पे भी बाइक ले सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग किराए पे बाइक लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आप अपनी बाइक लाएंगे फिर आपको परमिट के लिए और इसके लिए परेशान होना पड़ेगा। परमिट के चक्कर में क्यों पड़ना है यार, कि एजेंट पकड़ो फिर वो आपका परमिट करवाएगा, फिर कितना टाइम लगेगा, 100 सवाल होते हैं। हमसे ना तो किसी ने कोई सवाल पूछा ना कुछ। आप अब अंदर आए हो तो कहाँ एक्सप्लोर करना है, कहाँ जाना है, किस जगह के क्या रूल्स हैं। पहली बार यू शुड कम विद समबडी, तो उससे क्या होता है कि आपको नो हाउ आ जाता है, एंड देन इन सेकेंड ट्रिप यू कैन डू लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन। यू नो फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे Thimphu देखेंगे, पारो देखेंगे और फुनाका देखेंगे, बट दिस इज वेस्टर्न साइड ऑफ Bhutan, बट देर इज ईस्टर्न साइड ऑफ Bhutan जो ये कवर नहीं कर रहे। तो आप नेक्स्ट टाइम जब खुद से आना चाहें तो यू नो कि कहाँ क्या होता है, एंड देन यू नो यू टेक द परमिट अकॉर्डिंगली और उसके बाद जो है आप अपना एक्सप्लोर कर लीजिए। दैट इज माय सजेशन। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं और फिर मिलेंगे हम पारो और फुनाका में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अलविदा एंड वेलकम टू वाना सेना। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।